कोई साथ है। जी हाँ, फिल्म कोई साथ है का आज फर्स्ट लुक मुंबई के कार्निवल सिनेमा में रखा गया। थ्रिलिंग वेव फिल्म्स और कार्निवल सिनेमा की तरफ से एक खास फर्स्ट लुक का आयोजन किया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को लिखा है राइटर डायरेक्टर महावीर सिरंगी जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं रोहित दुबे। लिरिक्स की अगर बात करें, राजेश निषाद और साहिल सुल्तानपुरी के लिरिक्स हैं। इस फिल्म में प्रिया तिवारी अपना लक आजमा रही हैं। हम आपको बता दें, प्रिया तिवारी की पहली मूवी है। फिल्म के प्रोड्यूसर महावीर का कहना है कि इसमें रियल लोकेशंस का शूट किया गया है और फिल्म काफ़ी डरावनी है और दर्शकों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर महावीर जी राजस्थान के रहने वाले हैं। फिल्म के पोस्टर लॉन्च पर उन्होंने राजस्थानी कलाकार अरविंद कुमार को इनवाइट किया। सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। कोई साथ है, मतलब कोई साथ है, तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग देखने वाले हैं वो सारे के सारे साथ इनके हो जाए। और एक फिल्म बनी है, हर आदमी का अपने एक टेस्ट अलग होता है। इनका पोस्टर देख के आपको लगता है कि खूबसूरत भूत, हमेशा हम लोग भूत देखते थे तो डरावनी होती थी। मैं तो ये पोस्टर विमोचन करते के तो मुझे ऐसा लगा भूत बहुत अच्छी लग रही भूत। तो मैं चाहता हूँ कि कोई साथ ही के साथ आप लोग भी जुड़े और महावीर जी और पूरी टीम है, मैं दिल से कहता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी जाए। अपने मारवाड़ी है, राजस्थान से है, कहीं ना कहीं आप पहुँचे हैं घूम फिरा के आप जी, तो कितनी खुशी इस चीज़ को लेकर, नई एंट्री है। सबसे मुझे खुशी की बात ये कि राजस्थान के हैं महावीर जी और ये मेरे साथ भी एक अगली फिल्म कर रहे हैं टाइगर ऑफ राजस्थान। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आना है, पर मेरे दिल में एक राजस्थानी होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनको साथ दूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे बेस्ट विशेज उनके साथ हैं। अरे हॉरर फिल्में तो जो पुरानी थी वही हॉरर थी असली, रामसे ब्रदर्स की फिल्में, वो उनमें क्या होता था कि खूबसूरत हीरोइन होती थी, डरावनी होती थी। और अभी की फिल्में मैं कम देख पाता हूँ, क्योंकि हॉरर फिल्मों में अभी क्या इतना डरावना कर देते कि कई बार आपको वो इमेज सारी नज़र आती है। हमें तो वही रामसे वाली जो हॉरर फिल्में थी वो बहुत क्लास फिल्में होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छी लगती थी वो फिल्में। आजकल क्या चल रहा है? आजकल सबसे बड़ी बात, दुख की बात तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री भटक गई है, कॉन्सेप्ट भटक गया है, क्योंकि इंडिया का जो नेचर है ना, आज भी सब लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं और वो इतना प्यार करते हैं कि वो अपने पर्दे पे जब कोई फिल्म देखना चाह रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हमारे कोई रिलेटेड, हमसे कोई रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। अभी जो फिल्में बन रही हैं उसमें कहते हैं कि यार ये लंदन के लिए बन रही है, ये अमेरिका के लिए बन रही है, ये वहाँ के लिए बन रही है, दुबई के लिए बन रही है, कोई इंडियन फिल्म बनाना नहीं चाह रहा है। तो जो साउथ कर रहा है काम, उसकी कॉपी क्यों हम लोग कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वो बना रहे हैं इंडियन फिल्म, तो ये बहुत ज़रूरी आज का टाइम। ऐसा तो नहीं वेब सीरीज आके जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भूल गए हैं और रोड से उठाकर किसी को भी आर्टिस्ट बना लेते हैं, ये भी एक परंपरा चालू हो गई? ये एक नया, एक बहुत जी का जंजाल सबके लिए आया हुआ है, क्योंकि आज पैसे में कम खर्चे में उनको पड़ी नहीं है, कोई बड़ा आर्टिस्ट छोटा उनको कपड़े निकलवाने से मतलब है या फिर बहुत गंदा सिस्टम शुरू है। जो अच्छे मेकर वो तो कुछ अच्छा ही कर रहा है, लेकिन उनकी आड़ में जो काम दूसरा वेब सीरीज ये सीरीज फलाना, ये इतना घुस गया है कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा तो नहीं 5-10 साल में इंडिया जो ना कल्चर से बहुत ख़त्म हो जाएगा।